कुछ नहीं है आपके पास कि अकाउंटिंग सेमाफोर s एस इज टू टेन तो काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू मान लेते हैं टेन दी हुई है ठीक है Then P operations. तो उसके बाद कितने P operations हो रहे P. फिर फोर वी ऑपरेशन परफॉर्मड हो रहे हैं सेमाफोर पे वट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एस ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं याद करूं काउंटिंग सेमाफोर के बारे में तो काउंटिंग सेमाफोर में होता क्या था अगर आपको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है या रिसोर्सेस में जाना है तो आप क्या करते थे वेट ऑपरेशन परफॉर्म करते थे या पी ऑपरेशन परफॉर्म करते थे ध्यान रखो अगर वेट ऑपरेशन परफॉर्म होता था तो डिक्रीमेंट होता था जो सेमाफोर की वैल्यू होती थी वो डिक्रीमेंट होती थी ठीक है सेमाफोर डिक्रीमेंट होता था अगर आप एग्जिट करते थे ठीक है तो एग्जिट करते थे तो क्या करते थे मतलब क्रिटिकल सेक्शन से करते थे या जो आपने एक्वायर किया था उसको रिलीज करते थे या रिसोर्सेज फ्री होता था तो आप क्या करते थे एग्जिट करते थे और एग्जिट करने के लिए आपको करना पड़ता था सिग्नल ऑपरेशन को कॉल और सिग्नल के केस को हम बोलते हैं वी ऑपरेशन और ऑपरेशन के केस में आपका क्या होता है एस जो होता है वो प्लस प्लस होता है तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले जिसमें आपके पास सेमाफोर की वैल्यू गिवन होती है तो सेमाफोर की वैल्यू गिवन है फोर और आपको बोला जा रहा है कि आपने सिक्स पी ऑपरेशन किए सिक्स पी ऑपरेशन किए मतलब सिक्स टाइम आपने वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया मतलब आप जो छह प्रोसेस हैं वो क्या करना चाहते थे रिसोर्सेस एक्वायर करना चाहते थे और फोर वी मतलब फोर प्रोसेस क्या करना चाहते हैं रिसोर्स को रिलीज करना चाहते हैं तो बट है अगर आप देखो तो आप इसको सिंपल कैसे कैलकुलेट करोगे तो सिक्स पी का मतलब क्या हुआ सिक्स टाइम डिक्रीमेंट सिक्स टाइम डिक्रीमेंट कितने का वन का डिक्रीमेंट तो देखो आपके पास टोटल कितना है सेमाफोर की वैल्यू है टेन ठीक है आप क्या कर रहे हो पी ऑपरेशन चलाया मतलब सिक्स इन वन कर दो

तो कितने का इंक्रीमेंट वन का इंक्रीमेंट करते हो तो देखो फोर इंटू वन को आप क्या कर दोगे प्लस कर दोगे क्योंकि टाइम आप इंक्रीमेंट करोगे तो फोर टाइम आप क्या कर रहे हो प्लस करोगे ठीक है तो देखो यहां क्या हो गया टेन माइनस सिक्स प्लस फोर हो गया ठीक है तो टेन माइनस सिक्स कितना हो गया आपका कितना हुआ फोर और फोर प्लस फोर कितना हो जाएगा एट तो टोटल आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा एट आ जाएगा ठीक है तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एस

आप इसके केस में क्या करोगे सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म होगा मतलब उतना ही इंक्रीमेंट होगा तो सिंपल क्या हो गया टोटल आपके सेमाफोर की बात है को टोटल सेमाफोर की बात करें तो सेवन ठीक है और उसके बाद हम बात करते हैं ट्वेंटी पी ऑपरेशन की तो ट्वेंटी पी ऑपरेशन का मतलब हो गया ट्वेंटी इन वन ठीक है और प्लस आप क्या कर रहे हो फिफ्टीन वी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो फिफ्टीन इंटू वन आपने कर दिया ठीक है? 15 into 1. तो यहां मेरे को बात समझ में आ गई कि यहां आप क्या कर रहे हो? ट्वेंटी इंटू वन ठीक है उसको आप सिंपल ऐड कर दोगे तो सेवन माइनस ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन तो सेवन माइनस ट्वेंटी कितना होगा माइनस थर्टीन प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा टू तो व्हाट इज फाइनल वैल्यू ऑफ एस सेवन सॉरी टू एस की फाइनल वैल्यू क्या हो गई टू हो गई तो सेवन से कितना हो गया टू हो गया ठीक है तो ये तो बड़ा सिंपल था एग्जाम्पल था उसके बाद आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है तीन पी ऑपरेशन हो गए फिर आपके पास टू वी ऑपरेशन हुए टू वी हो गया फिर आपके पास फोर पी ऑपरेशन हुए फोर पी हो गया फिर आपके पास वन वी ऑपरेशन हुआ आपने वन वी कर दिया ठीक है अब आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एस कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले टोटल एस की वैल्यू जो इनिशियलाइज है कितना है है ए, सेवन है है एस सॉरी इक्वल टू तो को लिख दिया आपने थ्री पी हुआ तो माइनस थ्री माइनस थ्री इंटू वन करोगे तो बटोगे माइनस थ्री टू वी तो इसमें प्लस कर दो तो प्लस टू फिर आप क्या करोगे माइनस फोर तो आपने माइनस फोर कर दिया ठीक है और फिर प्लस वन क्यों क्योंकि वन वी किया तो पी के केस में माइनस कर दो और वी केस के में प्लस कर दो घबराने की जरूरत नहीं है तो टोटल कितना फोर फोर प्लस टू मतलब 4, 4 +2 मतलब 6, 6 -4 मतलब 2, और थ्री 2 मतलब तो टोटल कितना आ गया फाइनल वैल्यू कितनी आ गई थ्री आ गई अब आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी प्रोसेस आर इन द ब्लॉक स्टेट अगर समझो काउंटिंग से मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था और एस की वैल्यू आपकी आ रही है थ्री तो याद याद करो करो हम क्या चेक करते थे कि में में अगर आपको जाना है, अगर आपको आपको जाना जाना है तो है मतलब वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो मैं ब्लॉक्ड कर दूंगा जब तक जीरो तक है तो ब्लॉक्ड नहीं करूंगा मतलब वेटिंग लिस्ट में डालने के लिए हाउ मेनी आर इन ब्लॉक स्टेट का मतलब वेटिंग लिस्ट में कितने प्रोसेस है तो जब तक कि सेमा फोर की वैल्यू जीरो से छोटी नहीं होगी तब तक आपके पास वेटिंग लिस्ट या ब्लॉक स्टेट में कोई भी प्रोसेस नहीं होगा तो यहां एस की वैल्यू अगर थ्री आ रही है तो आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो एम है मतलब जीरो प्रोसेस है आपके ब्लॉक स्टेट में ध्यान रखो जीरो प्रोसेस है क्यों जीरो प्रोसेस है क्यों क्योंकि सेमा फोर की वैल्यू तो आपकी जीरो या जीरो से बड़ी है अगर जीरो से छोटी होती है तो ब्लॉक स्टेट में कोई ना कोई होता ठीक है अब पूछा जाएगा हाउ मेनी रिसोर्सेज आर फ्री एस की वैल्यू अगर थ्री है तो टोटल कितने रिसोर्सेस तो रिसोर्सेज है, है तो तीन रिसोर्सेज तो कर सकते हो। अगर मान लो, अगर S की वैल्यू होता, और अब आप आपसे पूछा जाता, तो उतने ही प्रोसेस वेट आपके कर रहे होंगे. तो चार प्रोसेस होंगे वेटिंग लिस्ट में या ब्लॉक लिस्ट में या